हो जाना चाहिए सफाई वाले, ना तो समझो बेटा बाद में क्या हाल होगा। काम खत्म करके सफाई भी हो जाना चाहिए, ना तो बेटा बाद में है ना अलग से हजामत होती है। इसके लिए कहेगा लोग तुम्हारा नौकर है सफाई करे, और क्या पता है लोग अपना काम करके सफाई करो, दूसरे को बोलते हो बोलने का बात, तो हम लोग को ही मौका देते हैं ना। अब मैं चिकन को गर्म करने जा रहा हूँ, मेरा चिकन का ये रहा मेरा चिकन। रोटी फुलाने नहीं आता होगा तो मेरे से आ करके ट्रेनिंग ले लेने के लिए, ठीक है। 1 किलो आटा लेके आने के लिए, 1 किलो चना का, 1 किलो मकई का, बाकी वो आटा सब यहीं छोड़ के जाना होगा, बस ट्रेनिंग लेके चला जाना होगा के लिए। और 2 मिनट में लहसुन का काम करके अंडा बना लूँ मैं जल्दी से, लहसुन वाला अंडा खाता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होता है, आप सभी को भी खाना चाहिए। गोश्त के अंदर भी ऐसे ही गुच्छा डाल देना चाहिए, बेगम को अपना मना के रखिए तो डालेगी, ना मना के रखोगे तो साले कुछ भी ना मिलेगा। ये सुबह में बेगम का चाय बना के दिया, साला चाय भी नहीं पिया, बिस्कुट भी उसका वैसे ही पड़ा हुआ, ये होता है झगड़े का नतीजा रे बाबा। ये मेरा चिकन का कलर देखिए तो कितना शानदार है। राज के पास आता हूँ, ये मैडम का बनाया हुआ है, मेरा नहीं, ठीक है, खाऊंगा उनके सामने दिखा दिखा करके, बाद में गाली तो सुनना ही है। अच्छा कमेंट है बताइएगा कि आप लोग भी कभी अपने बीवी से गाली भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। नहीं, वो ISI का आतंकवादी है यार, पुलिस पकड़ के भी नहीं ले जा रहा इसको। हाँ तो मैं ये बता रहा था, लहसुन खाया करो, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, बालों के लिए भी फायदेमंद है, हड्डी के जोड़ों के लिए भी फायदेमंद है, और जो लोग जेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनके लिए अपने उस प्रक्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लुमिनेशन है ना जो इजेक्टिंग आउट होता है, इजेक्टिंग आउट का ड्यूरेशन में भी फायदा करता है। और अगर इसको घी से फ्राई करके आप लोग खाएंगे ना, घी से फ्राई कर करके, तो कमर के दर्द भी ख़त्म होगा, साथ में 5-5 किशमिश थोड़ी देर में खा लेना होगा, मगर घी से ही फ्राई करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा घी से फ्राई कर लेना होगा। अब ये मेरा प्रक्रिया इसका ख़त्म हो गया, और फिर मेरा ये वापस आ गया, और ये चक्कू मेरा रहा है, पानी बर्फ भी गर्म है, दही भी गर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें 2 अंडे डाल रहा हूँ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, बचपन में ये बरचार बड़े आता था। देख लो भाई कुंवारे लोग, पहले से प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा बहुत बनाने का तो फायदेमंद में रहोगे, शादीशुदा भाई लोग या तो झगड़ा ना करियो, ठीक है, ना तो थोड़ा बहुत तजुर्बा ले लो, शादी वाली घर पर आए ना तो उसको मना उना करके उससे थोड़ा बहुत सीखते रहिए, बीवी तो ना सिखाएगी, पूछो क्यों, कहेगी साला ये सीख लेगा तो मेरा तो कन्नी कट जाएगा ना, ठीक है, साली पे खर्चा करियो, ठीक है, फिल्म सिर्फ कहीं खर्चा वर्चा करियो, और फिर उससे कुछ कुछ बनाना सीख ले, जैसे रोटी है, खिचड़ी है, दलिया है, दलिया मेरा बहुत बड़ा परमाणु हथियार है मेरा दलिया, दलिया थोड़ी सी है नमक, लो भैया इसमें काला नमक सेंधा नमक मिक्स था वो भी नहीं है, कह रहा हूँ ना झगड़े का नुकसान है ये सब, पता कैसे चलेगा आपको किचन में क्या है क्या नहीं। ये ना समझना भैया कि ये तेल का मैं प्रचार कर रहा हूँ, बट ये तेल मैं यूज करता हूँ
बड़ा अच्छा लगता है मुझे। रिफाइन वगैरह को यूज करने से अच्छा है कि ये वाला जो तेल है ना, राइस ब्रांड ऑयल, उसको यूज करो। हाँ, तेल चेंज करते रहना चाहिए 3-3 महीने पे, 4-4 महीने पे, बेहतर होता है। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल है ना, आप लोग उसके कंटेंट पे जाके पढ़ेंगे तो बहुत सारे उसमें मिक्स होते हैं। अगर मस्टर्ड ऑयल ही खाना है तो जहाँ से वो जो पेरने वाला होता है ना, उसी से कहो, थोड़ा महंगा देगा मगर वही तेल खाओ। अगर आप शहरी इलाके में हैं तो वहीं पे राइस ब्रांड ऑयल ले लो, बाकी कोई ऑयल नहीं खाओ, मस्टर्ड ऑयल अपने गांव से मंगा लो, ठीक है। किचन में कुछ भी ना है समझे तो समझ जाओ कि अब शाम को अलग हजामत होने वाली है, उससे पहले बेटा सब सामान ला के रख दियो। मेरे ख्याल से अंडा तो सबको आता होगा बनाने। नहीं आता है तो सीख लो, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा तुम्हें। क्या है कि मैं है ना थोड़ा कच्चा खाता हूँ आधा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, बाकी आप लोग का दिल है तो कड़की मार दिया दीजिए। अब इतना दूर है ना, थोड़ा ही बताइएगा, ये इतना दूर है ना, देखिए इसमें कच्चा है, और ये मैं कल्टी मारूंगा इसको तो बाकी पक जाएगा, तो मैं थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का खाता हूँ। ये मैं इसको तोड़ भी रहा हूँ, क्यों, हिस्सा भी तो लगाना है ना। ये मेरा वाला अंडा है, इसमें से और तोड़ देता हूँ, और इसका जो मैंने कच्चा वाला रखा था ना, उसको ही पका दे रहा हूँ। अब मैडम के लिए अच्छा अच्छा वाला रोटी रख दीजिए, चुन करके अच्छा वाला, ठीक है ना, ठीक, गोल गोल जो ताना आगे जाके नहीं मिले, बाकी सब मन हो या ना हो सलट जाइए। दो तो काफ़ी है औरत लोग के लिए। के अंदर सफाई नहीं हुआ, मुझे चिकन है ना इसमें कुरकुरे वाला पसंद है ज़्यादा, और ये कुरकुरा वाला ये मिला। ग्रेवी मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे चिकन भी पसंद नहीं है, या तो खाओ मटन या तो खाओ फिश। ये जितना ये सब ऐसा जो प्रक्रिया होता है ना, पहले से जो बना हुआ इसके अंदर था, ये मेरे एक दोस्त आकर के बना के गए हैं, मियाँ बीवी के बीच पंचित करा रहे थे। अच्छा, ये रोटी सही उतरा ना, इसका कोई नाम नहीं है, ये रोटी ही नाम है इसका। देखो एकदम गोल है, वाह क्या गोल है, थोड़ा सा और गोल बना दूं मैं, इज्जत की बात होती है ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो वैसे भी हर किसी को अच्छा कुक हो जाना चाहिए, पूछी क्यों भैया, जब झगड़ा हो बना के खा लो, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। होटल में खाओगे तो सेहत खराब होगा ना, और साथ में पैसा भी तो बर्बाद होगा।